कांग्रेस जल्द ही एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला लागू कर सकती है। शायद इसलिए राजस्थान की राजनीति में 25 सितंबर की शाम को वो घटनाक्रम हुआ, क्योंकि यदि गहलोत कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनते तो राजस्थान के मुख्यमंत्री तो कतई नहीं रह सकते थे। अब शाम की घटनाक्रम के सूत्रधार महेश जोशी ने एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला का जिक्र किया है। दरअसल महेश जोशी गहलोत सरकार में जलदाय मंत्री और मुख्य सचेतक दोनों हैं। महेश जोशी सोमवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय में मीडिया से बातचीत कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं कभी भी किसी पद के लिए लालायित नहीं रहा। मेरी तरफ से पार्टी एक पद वापस ले या दोनों वापस ले ले, यह पार्टी को तय करना है। इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। मैं तो कभी भी किसी पद का लालायित रहा ही, मेरी तरफ से पार्टी में से एक पद वापस ले, दोनों पद वापस ले, नहीं ले, जिस पार्टी को निर्णय करना, ये ऐसा कोई काम नहीं है मुख्य सचेतक वाला। अतिरिक्त किसी प्रकार की का कोई लाभ नहीं मिलता, बल्कि दोहरी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है। विधानसभा का सत्र चलता है तो अपने विभाग के संबंधित काम भी करना पड़ता है, फ्लोर मैनेजमेंट का काम होता है तो हम बाहर भी नहीं जा सकते। मैं तो खुद ही चाहता हूँ मुख्यमंत्री जब इसको ठीक समझे बनाए, और ये लाभ जरूर होगा कि एक कार्यकर्ता को, एक MLA को और स्टेटस मिलेगा, उनको पद मिलेगा। लेकिन इसके अलावा किसी मंत्री के पास मुख्य सचेतक का पद रहता है उसको अतिरिक्त लाभ नहीं मिलता। फिर भी मेरी तरफ से ये हाईकमान को तय करना, मुख्यमंत्री को तय करना, मेरी क्या भूमिका पार्टी में हो, विधायक दल में हो, उनको तय करना। आपको बता दें कि कांग्रेस के उदयपुर चिंतन शिविर में हुए फैसले के मुताबिक एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला लागू किया जाना है। कांग्रेस के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी उदयपुर डिक्लेरेशन के सभी फैसले लागू करने की घोषणा कर रखी है। महेश जोशी के पास जलदाय मंत्री के साथ सरकारी मुख्य सचेतक के पद की जिम्मेदारी भी है। ऐसे में आने वाले दिनों में उनका एक पद जाना तय माना जा रहा है। 25 सितंबर को विधायक दल की बैठक के बहिष्कार मामले में कांग्रेस हाईकमान का एक्शन अभी पेंडिंग बचा है। अगर उन पर एक्शन होता है तो महेश जोशी से पद वापस लिया जा सकता है। अब कांग्रेस एक व्यक्ति एक पद का फॉर्मूला कब तक लागू कर सकती है और महेश जोशी पर क्या एक्शन लिया जाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, राजस्थान तक।